हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेंस मैं हूं हुती आपकी इंग्लिश एजुकेटर और मैग्नेट ब्रेंस के इस प्लेटफॉर्म पे आपको पता है कि किंडरगार्टन से लेके क्लास ट्वेल्व तक सीबीएसई हो या आईसीएसई की बुक्स हो या कॉम्पिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी हो लाइक नीट जी या एन टी एस सी ये सारा कुछ हर सब्जेक्ट का कॉन्टेंट मिलता है आपको यहाँ पर मैगनेट ब्रेंस के प्लेटफॉर्म पर दैट टू फॉर फ्री एग्जैक्टली exactly. कोई जरूरत नहीं है मैग्नेट ब्रीन के प्लेटफॉर्म पर बस एक काम करना ये वीडियो देखने हैं और एग्जाम्स में बेहतरीन मार्क्स लेके आने हैं यू हैव टू बी द्लास एंड ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास सिक्स एंगेजिंग इंग्लिश बुक जो कि एक इंग्लिश लिटरेचर बुक है और इसमें हम सेवनटीन यूनिट अब स्टार्ट करने वाले हैं इट इज़ अ ब्यूटिफुल पोम द डेफिडल्स डेफिडल्स मतलब फ्लास होते हैं एज यू कैन सी हेयर ओके ना वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाई नोइंग अबाउट अ पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ अब ये एक बहुत ही रेनाउंड पोइट है इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश पोइट ये एक ब्रिटिश पोइट है बिलीव डेट नेचर वॉज मैं टीचर वो इस चीज में बिलीव करते थे कि मैन का ह्यूमन्स का जो सबसे बड़ा टीचर है सबसे बड़ा गुरु है वो है हमारा नेचर ल्यूसी ग्रे द रिंड कॉटेज एंड द सोलिट्री रीपर आर समेमस पोम्स ओके नाउ वॉट इज़ योर हैप्पीएस्ट मेमरी बिफोर वी स्टार्ट द पोम द इज अ क्वेश्चन आपकी अगर आप पीछे जाते हो सोचते हो तो सबसे खूबसूरत याद कौन सी है ऑफन इट ओनली टेक्स अ हैप्पी मेमरी टू ब्लाइट इन योर डे कभी कभी आपको कुछ एक अच्छी सी मेमरी याद हो जाती है और आपका पूरा दिन जो है वो खुशनुमा हो जाता है इन दिस पोम द पोएट ट्राइज टू ओवरकम हिज लोनलीनेस बाई रिकॉलिंग अ ब्यूटिफुल मेमोरी इस पोम में पोइट जो है वो अपनी जो लोनलीनेस है अकेलापन है उसको एक खूबसूरत सी मेमोरी को याद करके हटा देते हैं मिटा देते हैं नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोम आई वॉन्ट आई वॉन्टड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स वेन ऑल एट ऑन आई सॉ अ क्लाउड अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड एक बादल की तरह मैं अकेले भटक रहा था वंडर्ड लोनली मतलब द पोएट इज इजिंग पर्पसलेसली इन अ लोनली और सोलिटरी स्टेट वो पर्पसलेसली मतलब भटक रहे हैं बिना किसी गोल के बिना किसी डायरेक्शन के बस जा रहे हैं दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स एक ऐसा बादल एक ऐसा क्लाउड जो फ्लोट करता है मतलब जेंटली मूव कर रहा है ऑन हाई ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स बहुत ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहा है कहाँ वेल्स मतलब होता है वैलीज और हिल्स मतलब वैलीज और माउंटेन्स और हिल्स के ऊपर वो बस आराम से फ्लोट कर रहा है वेन ऑल एच ऑन आई सॉ अ क्राउड जहाँ अचानक से आई अ क्राउड आई सो अउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफिडल्स बिसाइड द लेख बीनीथ द ट्री फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज तो वह आप क्या बोल रहे हैं अचानक से मैंने क्या देखा आई सो अउड यहाँ पे है क्राउड मतलब अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ डेफिडल्स ग्रोइंग बिसाइड द लेक तो उसने क्राउड देखा अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफिडल्स उन्होंने गोल्डन डेफिडल्स देखे क्राउड मतलब बहुत सारे डेफिडल्स थाउजेंड्स ऑफ डेफिडल्स होस्ट मतलब क्या है अ लार्ज नंबर ऑफ और यहां गोल्डन डेफिडल्स मतलब क्यों हैं ये ये जो गोल्डन वर्ड है सिग्निफाई कर रहा है द द चार्मिंग ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स और कहा देखा उन्होंने बिसाइड द लेक लेक के बाजू में बीनीथ द ट्री ट्री के नीचे फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द फ्री ब्रीज फ्लटरिंग का मतलब होता है मूविंग क्विकली मतलब फ्लटर क्योंकि अब आप इमेजिन कर सकते हो कि बहुत हवा चल रही है जिसमें ये जो फ्लावर्स है, हैं ये मूव कर रहे थे पोएट थे वो नेचर के बीच में अकेले बस चल रही थी ही वॉज विंग बिसाइड अ लेक्रॉम वन प्लेस टू अनादर लाइक अ क्लाउड विच फ्लाइस ओवर वेल्स एंड हिल्स विद्ड वो एक लेक के बाजू से गुजर रहे थे जब वो एक बादल की तरह एमलेसली बस चले जा रहे थे जैसे एक बादल जो है वो वैलीज़ और हिल्स के ऊपर से फ्लोट करते हुए चला जाता है ऑल ऑफ अ सडन ही सॉ huge मास ऑफ गोल्डन डेफिडल्स which were ग्रोइंग ऑन द बैंक ऑफ द लेक अंडर द ट्रीज अचानक से उन्होंने देखा कि लेक के बाजू में ट्रीज़ के नीचे एक बहुत बड़ा जो है गोल्डन डेफिडल्स का एक मतलब एक ह्यूज uh, मास है ल एंड जेंटल ब्रीज वॉज ब्लोइंग द वहाँ पर बहुत ठंडी और बहुत अच्छी सी हवा चल रही थी इट वॉज़ मेकिंग द डेफिडल्स फ्लटर एंड डांस उस हवा से जो डेफिडल्स थे ये मूव कर रहे थे ऐसा लग रहा था वो डांस कर रहे हैं दिस ब्यूटिफुल साइड ऑफ़ द डेफेडल्स इन सॉल द हार्ट ऑफ द पोएट और दिस ब्यूटिफुल साइट ऑफ द इतने सारे जो फ्लावर्स थे उससे जो पोइट का जो दिल था वो एकदम खुशी से झूम उठा Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. Ten thousand saw I at a glance, tossing their head in sprightly dance. अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन कंटिन्यूस का मतलब होता है जैसे आप देखते हो अगर आप आसमान में देखते हो तो सितारे खत्म नहीं होते ऐसा लगता है तो चलते ही जा रहे हैं वैसे ही वो ये बता रहे हैं कि जब आप उन फ्लावर्स को देख रहे तो ऐसा लग रहा थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स है जिनकी एंड दिख ही नहीं रही है एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे जिस तरीके से हज़ारों लाखों जो स्टार्स होते हैं वो हमारे मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है जहाँ पूरा जो हमारी गैलेक्सी में पूरा सोलार सिस्टम है सब कुछ है तो इस गैलेक्सी में जैसे इतने सारे स्टार्स हैं काउंटलेस स्टार्स हैं उसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो डेफिडल्स हैं वो इस मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार्स की तरह लग रहे हैं देश इन नेवर एंडिंग लाइन ऐसा लग रहा है वो नेवर एंडिंग लाइन है बस चले जा रहे हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे अब ये जो मतलब साइड uh, में जो आप चले जा रहे हो लेक के साइड में आप जा रहे हो तो मार्जिन के ऐसा लगता है कि उस लेक के साइड से बस चले ही जा रहे हैं इतने ज्यादा क्वान्टिटी में हैं टेन थाउजेंड सो आई एट अ ऐसा था कि ए, एक बार में मैंने दस हजार फ्लार्स देख लिए हों टॉसिंग देयर हेड इन स्प्लाइटली डांस जो अपना हेड जो है टॉस कर रहे हैं स्प्लाइटली का मतलब क्या होता है बहुत ही हैप्पी बहुत एंथुसियास्टिक वे में जो डांस कर रहे हैं सो so, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है द पोइट कंपेयर्ड दूज एक्सपेंशन ऑफ फ्लावर्स विद द कंटिन्यूटी ऑफ द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल इन द नाइट स्काई पोइट ने यहाँ पर जो इतने हज़ारों फ्लावर्स हैं उनको कम्पेयर किया है मिल्की वे गैलेक्सी के उन स्टार्स से जो कि नेवर एंडिंग दिखाई देते हैं द डेफिडल्स अपेयर टू बी स्ट्रेच एंडलेसली अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे सो जो डेफिडल्स हैं वो इस लेक के भी साइड ऐसा लग रहा है कि बस एंडलेसली बिखरे पड़े हुए हैं एज द पोएट वॉज अनएबल टू सी द अल्टीमेट रो ऑफ द डेफिडल्स पोइट जो था वो एकदम एंड रो देख ही नहीं पा रहा था डेफिडल्स की ही सो नंबर लार्ज नंबर ऑफ डेफिडल्स एट वन क्लांस तो वो यहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे डेफिडल्स एक साथ एक ही नज़र में देख लिए दीज डेफिडल्स वेविंग देयर हेड्स एंड जॉयफुल डांस और ये सारे जो डेफिडल्स थे हवा चलने के कारण ये मूव कर रहे थे ऐसा लग रहा था ये वे बहुत ही चेयरफुली डांस कर रहे हैं

लेक में जो लेक के बिसाइड में सारे डेफिडल्स हैं उस लेक पे बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं और वो लहरें भी डांस कर रही हैं वो लहरें भी जो है वो ऐसा लग रहा है वो भी नाच रही हैं बट दे आउटडेट द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली लेकिन ये जो डेफिडल्स हैं उन्होंने इन वेव्स की मतलब ब्यूटीफुल वेव्स की जो स्पार्कलिंग जंप है उनका डांस है उसको उन्होंने आउटडेट कर दिया मतलब उसको पीछा छोड़ दिया क्योंकि डेफिडल्स इतने खूबसूरत लग रहे हैं आउटडेट का मतलब क्या होता है आउटस्ट्रिप इन द कंपटीशन ऑफ द डांस दोनों जो डांस है एक तरीके से एक वेव्स का डांस है और डेफिडल्स के डांस में कौन जीत गया डेफिडल्स जीत गए गय, जो स्पार्कलिंग मतलब ब्राइट वेव्स हैं इन मतलब हैप्पीनेस वो एकदम खुशी के मारे जो झूम रही हैं उन्हें भी उन्होंने मात दे दी अब पोएट को नॉट बट बी की एक जो पोइट है वो इतने खूबसूरत नज़ारे को देख के उसके अंदर कोई और फीलिंग ही नहीं सकती सिर्फ खुश रह सकता है वो इन सच जोकस बहुत ही खुशनुमा आई गेज एंड गेज बट लिटल थाट वट द शो टू मी हैड ब्रॉट मैं बस देखता रहा देखता रहा और मेरे दिमाग में यही आया कि कितने खूबसूरत नज़ारे ने मुझे कितना कुछ दे दिया है आज इसका मीनिंग देख लेते हैं द वेव्स इन द नियर बाई लेक सीम टू बी डांसिंग एंड ऑल्सो स्पार्कलिंग ड्यू टू द सन्स वेव फॉलोइंग ऑन दैम जो वेव्स हैं जो पास वाले लेक में जो वेव्स हैं वो उछल कूद रहे हैं ऐसा लग रहा है वो डांस कर रहे हैं प्लस जब उन सन की जो लाइट है सन की रेस जब इन वेव्स पर पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो चमचमा रहे हैं बट द जॉय ब्यूटी ऑफ़ द डेफिडल्स वॉज ग्रेटर एंड मोर इन टेंस लेकिन जो जॉय था और जो ब्यूटी थी डेफिडल्स की वो इन स्पार्कलिंग वेव्स के डांस से भी ज़्यादा इंथेलिंग है द ओवरवलमिंग डांस ऑफ द डेफिडल्स सर पास द स्पार्कलिंग वेव्स ऑफ द लेक ये जो डेफिडल्स का ओवरवलमिंग डांस है उसने पीछा छोड़ दिया किस को पीछे छोड़ दिया द स्पार्कलिंग वेव्स ऑफ द लेक को द एटमोसफेर ऑफ़ द प्लेस वेर द फ्लावर्स वॉज स्प्रेड फार एंड वाइड वॉज फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस ये जो पूरा एटमोसफेयर था इस जगह का जहाँ पे पूरे फ्लावर्स बिखरे पड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और जॉय का था इन सच अ ब्यूटिफुल एंड प्लेजेंट एटमोसफेयर अपोइट कुड नॉट हेल्प बट कुड नॉट हेल्प बींग हैप्पी एंड ही कुड हैव डिराइव मच प्लेजर फ्रॉम जॉयज कंपनी ऑफ द फ्लार्स और इतने खूबसूरत से एटमोसफेयर में एक पोइट जो है वो सिर्फ खुश हो सकता है क्यों क्योंकि उसकी कंपनी किसकी कंपनी के साथ है वो मतलब किसके साथ है वो वो इन जॉयस डेफिडल्स के साथ में है ही हैड been लुकिंग एट द beautiful sight फॉर the लॉन्ग टाइम बट forgot that in fact he ही collecting कलेक्टिंग अ ग्रेट ट्रेजर इन mind। माइंड वो काफ़ी देर तक जो है वो इस इस खूबसूरत नजारे को देखते रहे देखते रहे देखते रहे, देखते रहे बाद में उन्होंने रियलाइज किया वो तो अपने साथ एक बहुत बड़ा खजाना लेके जा रहे हैं अपने दिमाग में द साइट ऑफ द ब्यूटिफुल डेफिडल्स है मेमरी ऑफ द डिलइटफुल विशन ये जो इन खूबसूरत डेफिडल्स का जो नज़ारा है उन्होंने उसकी मेमोरी में, में खजाना रख दिया है इस मेमोरी का इस ब्यूटिफुल साइट का द डेफिडल्स हैज माइंड फॉर एवर और ये जो डेफिडल्स हैं वो उसके दिमाग में अब हमेशा के लिए उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है

विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलीट्यूड एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स एंड डांसिस विद द डेफिडेंस अब वो यहाँ बता रहे हैं फॉर ऑफ मतलब ऑफ़न कई बार ऐसा होता है जब मैं अपने काउच में लेटा रहता हूँ इन वेकेंट और इन पेंसिव मोड वेकेंट मतलब जब मेरे को दुनिया की किसी चीज़ की कोई खबर नहीं है किसी परेशानी में नहीं हूँ मैं और पेंसिव पेंसिव मतलब जब मैं बहुत ही गहरी सोच में हूँ मेरे अंदर कोई दुख नहीं है मैं परेशान नहीं हूँ बस मैं गहरी सोच में हूँ तो जब मैं इस तरीके के मूड में होता हूँ तो मेरे जो मन की आंखें हैं जो मेरी इनवर्ड आई मतलब जो मेरी माइंड की आंखें हैं अचानक से उसके सामने इन डेफिडल्स का जो है एक फ्लैश आ जाता है उस मेमोरी की एक झलक आ जाती है विच इज़ द ब्लस ऑफ सॉलीटूड और ये मेरे अकेलेपन के लिए एक ब्लेसिंग है जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं उसमें भी अकेला फील नहीं करता क्योंकि मेरे साथ क्या है उन डेफिडल्स की मेमोरी है एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स और तब मेरा दिल जो है वो इस यू नो प्लेजर्स से भर जाता है मैं बहुत खुश हो जाता हूँ एंड डांसेस विद द डांसिस और मेरा जो दिल है वो इन डेफिडल्स के साथ झूम उठता है अब इसका मीनिंग देख लेते हैं ड्यूरिंग हिज सॉलिटरी वॉक वेन द पोइट वॉज डिजाइविंग ग्रेट जॉय एंड प्लेजर्स दिल ब्यूटिफुल साइड ऑफ द डेफिडल्स He did not think about the wealth of happiness and that the scene had given him nor could he imagine that the scene held great joy in its store for his future life. जब पोइट जो है अपने सॉलिटरी walk में जब उन्होंने इतने beautiful डेफिडस देखे तब उन्हें ये पता भी नहीं था कि वो अपने साथ खुशियों का इतना बड़ा जो है एक खज़ाना लेके जा रहे हैं जो आने वाले टाइम में जब फ्यूचर लाइफ में उनके साथ हमेशा रहेगा लेटर ऑन ही केम to realize that ही हैड obtained ग्रेट प्लेजर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस during his solitary वॉक बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया अपनी फ्यूचर लाइफ में जब वो बट बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे कि उन्होंने बूढ़े भी नहीं लेकिन जब वो मतलब अकेले थे अकेलापन था उनके आसपास कि उन्होंने उस एक सॉलिटरी वॉक मतलब जहाँ वो अकेले जा रहे थे टहलने के लिए उसमें उन्होंने अपने साथ कितना बड़ा खुशियों का खजाना रख लिया था वेन एवर ही ले ऑन इस काउच आफ्टर बींगर फ्री फ्राम वर्ल्डली लाइफ एंड थिंग्स और मेडिटेटेड इन लोनली प्लेस जब भी वो जो थे अपने काउच में एकदम केयर फ्रीली लेटे रहते थे या मेडिटेट कर रहे थे या बस चुपचाप यू नो ही वॉज लाइन डाउन

जैसे वो हमारी आंखों के सामने फ्लैश होती है तो अपने आप चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है अपने आप पॉजिटिव वाइब्स हो जाती है और यही उनके साथ भी हो रहा था नाउ दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम, ओनली द एक्सप्लेनेशन, अभी बचा है इसकी समरी इसकी पोएटिक डिवाइसेस इसका स्ट्रक्चर राइमिंग पैटर्न और ये सब हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऑल्सो क्वेश्चन आंसर्स सो स्टे टून स्टे कनेक्टेड इन सारे वीडियोस के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट विच इज मैग्नेट ब्रीज डॉट कॉम जहाँ पे ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट आप क्लास सेट करोगे तो सब्जेक्ट्स पे होंगे सब्जेक्ट सिलेट करना इंग्लिश लिटरेचर एंगेजिंग इंग्लिश उसके बाद चैप्टर वाइज वीडियोज़ आ जाएंगे अब आपको जो यूनिट पढ़ना है उसको क्लिक करो एंड आपका वीडियो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है अब एक और न्यूज़ है आपके लिए कि मैग्नेट प्रिंस हिंदी चैनल भी अब यहाँ पे अवेलेबल है ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो एंड सब्सक्राइब शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टेल देम कि हिंदी में कंटेंट के लिए अब किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी मिलते हैं हम एक ब्रेक के बाद मतलब अपने नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखना अपना और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मतलब लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना टेक केयर बाय